नहीं, जो किसान का नहीं वो देश का नहीं। यह सरकार सिर्फ साजिश और सियासत की दुकान तलाश करती है, तानाशाही दूसरे देशों में इज्जत तलाश करते हैं। औलाद इनकमी हो जाए तो धन का खतरा है, अगर सरकार इनकमी हो जाए तो पूरे राष्ट्र को खतरा है। ये सरकार साजिश के द्वारा हमेशा धर्म से, ये धर्म की दुहाई देते हैं, हिंदुत्वा की दुहाई देते हैं। नौकरी, रोजगार, व्यापार सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों में आबादी के अनुसार से हिस्सेदारी इसी सोच से मिलेगी। हमारे बच्चों को नौकरी इसी सोच से यह संगठन बना करके सबको जोड़ करके पूरे भारत वर्ष में चलाया जा रहा है। मेरे भाइयों, देखा जाए तो एक तरफ अभी किसान भाई बोल रहे थे, क्योंकि जो किसान का नहीं वो देश का नहीं। यह सरकार सिर्फ साजिश और सियासत की दुकान तलाश करती है, झूठ और बेशर्मी की ताकत तलाश करती है। अभी किसान, जवान, पहलवान और घर की बेटियां जंतर मंतर पे जल की भीख मांगती रही और यह सरकार, यह तानाशाही दूसरे देशों में इज्जत तलाश करते हैं। मेरे भाइयों, सबको सोचना होगा, अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जान बदन को खतरा है। खुद तानाशाही माली ही नोच करके फूलों को फेंक दे तो चमन को खतरा है, औलाद निकमी हो जाए तो धन का खतरा है, अगर सरकार निकमी हो जाए तो पूरे राष्ट्र को खतरा है। इसलिए आज खतरे में है सरकार, इसलिए लड़ाई बड़ी है, तैयारी बड़ी रखना है। हमारे किसान भाई आए हैं लगातार जो संघर्ष करते हैं, क्योंकि इस देश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं 70% किसान ही चलाते हैं, चाहे वो नौजवान इन्हीं के बेटे नौजवान बॉर्डर पे रखवाली करते हैं और किसान पूरे देश की सुधा मिटाते हैं, तब जाकर के हमारा एक देश महान हो पाए। मेरे भाइयों, सरकार की साजिश थी कि किसान को खत्म कर दो, किसान को गुलाम बना दो, यह राष्ट्र अपने आप गुलाम हो जाएगा। लेकिन WTP ऐसा संगठन बना, ये धीरे धीरे चलकर के 8-10 साल में ये PDA बनाया। PDA के ही लगाए हुए पौधे हैं जो आज के तैयार हो रहे हैं। सरकार अब ये पता कर रही है ये PDA WTP क्या है, क्या है, ये कैसा नया पौधा जम रहा है। इसको भी अभी हम लोग जो खुल करके मीटिंग कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, एक बार जंतर मंतर से भी हम लोगों को भगाया गया था। ये सरकार साजिश के द्वारा हमेशा धर्म से, ये धर्म की दुहाई देते हैं, हिंदुत्वा की दुहाई देते हैं। धर्म से मोक्ष का रास्ता जाता होगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन धर्म न्याय पूजा राजनीति में तानाशाही को जरूर पैदा करती है, यह तो पक्का हो चुका है। देश का जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन चला दिल्ली बॉर्डर पर, उसका नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक मेंबर रहा और पूरे 13 महीना दिल्ली बॉर्डर पर, बिहार में एक कदम यहाँ, एक कदम झारखंड में, कभी एक कदम महाराष्ट्र में, ऑल इंडिया में घूमते रहे, किसान आंदोलन को देशव्यापी बनाते रहे। तो उसका मैं एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर रहा हूँ और इस चुनाव में भी सच पूछिए तो किसानों का एक बड़ा सहयोग, समाज के गरीबों का एक बड़ा सहयोग, महिलाओं और नौजवानों का बड़ा सहयोग हमें मिला और इसीलिए पैसे की ताकतों का गुरूर टूटा और कराकार से आम आदमी, साधारण आदमी नौकरी और किसान जीता। कल के बजट में, ये बजट पढ़ते पढ़ते जो मैं नोट कर पाया हूँ, मैंने अभी टेलीविजन पर समाचार वगैरह नहीं देखे हैं, लेकिन जो देखते देखते जो मन में विचार उभरे, जो हमने कुछ पॉइंट्स बनाए,
एक लगातार पार्लियामेंट के भीतर कोशिश हो रही कि हम तो किसानों को एमएसपी दे ही रहे, लेकिन एमएसपी कौन सा दे रहे हैं? खेती लाभकारी नहीं है, घाटे की खेती है, किसान कर्जे में डूब रहा है और आत्महत्या कर रहा है। आप ए टू प्लस 50% दे रहे हैं, सी टू प्लस 50% नहीं दे रहे हैं। सी टू मतलब कॉम्प्रेहेंसिव कॉस्ट, परिवार का श्रम भी और जमीन का किराया भी। स्वामीनाथन कमीशन ने जो कहा था, जो रिकमेंडेशन दिया था, उसको आप लागू नहीं कर रहे हैं, उससे लगातार भाग रहे हैं। और दूसरी बात कि हमने ये मांगा कि आप एक तो एमएसपी घोषित करिए और इसी रेट पर खरीद की कानूनी गारंटी दीजिए। कोई व्यापारी भी अगर खरीदे तो इससे कम रेट पर न खरीदे, और इसको लेकर के लगातार लड़ाई जारी है।